नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेगुलेटर सेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेगुलेटर सेक्शन दो प्रकार का होता है, एक आईसी का होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर का होता है। आज मैं ट्रांजिस्टर से बना हुआ रेगुलेटर सेक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि एसटीआर पावर सप्लाई और ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई में लगा हुआ होता है। रेगुलेटर सेक्शन में एक प्रीसेट, एक ऑप्टोकपलर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। यही तीनों पार्ट्स मिलके वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो चलिए दोस्तों, पावर सप्लाई का रेगुलेटर सेक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में जाने। दोस्तों, ये है ऑप्टोकपलर। ये ऑप्टोकपलर कैसे काम करता है, चलिए इसको अच्छी तरह से समझें। ये है ऑप्टोकपलर का डायग्राम। ऑप्टोकपलर का चार पिन होता है। चलिए देखें ऑप्टोकपलर कैसे काम करता है। ऑप्टोकपलर का एक नंबर पिन में नेगेटिव इनपुट होता है और दो नंबर पिन में पॉजिटिव इनपुट होता है। और पॉजिटिव इनपुट होते ही इसका अंदर का एलईडी जल उठता है और इस एलईडी से रोशनी निकलने लगता है। इस एलईडी से जब रोशनी निकलता है, इसका बगल में लगा हुआ फोटो ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाता है। उसका बाद तीन और चार नंबर पिन काम करने लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ऑप्टोकपलर एसएमपीएस पावर सप्लाई में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पावर सप्लाई में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड को अलग अलग रखने के लिए ऑप्टोकपलर लगाया जाता है, क्योंकि प्राइमरी साइड का नेगेटिव और सेकेंडरी साइड का नेगेटिव अलग अलग होता है। प्राइमरी साइड का हाई वोल्टेज नेगेटिव होता है और सेकेंडरी साइड का लो वोल्टेज नेगेटिव होता है। ये दो नेगेटिव आपस में जुड़े नहीं, इसीलिए ऑप्टोकपलर लगाया जाता है। तो चलिए अब हम प्रीसेट के बारे में जान लें। तो दोस्तों, ये है प्रीसेट, 2K प्रीसेट। प्रीसेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रीसेट के थ्रू हम वोल्टेज को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। प्रीसेट से वोल्टेज को रेगुलेट करके एनपीएन ट्रांजिस्टर C1815 का बेस में दे दिया जाता है। फिर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से वोल्टेज रेगुलेट होके ऑप्टोकपलर का दो नंबर पिन में चला जाता है। दोस्तों, ऑप्टोकपलर का अंदर में जो एलईडी होता है, उस एलईडी का ऊपर डिपेंड है। अगर एलईडी कम ग्लो हुआ तो फोटो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर का पॉजिटिव कम ड्रॉप होगा, अगर ज्यादा ग्लो हुआ तो ज्यादा ड्रॉप होगा, क्योंकि फोटो ट्रांजिस्टर का एमिटर ग्राउंड होता है, यानी कि नेगेटिव। फोटो ट्रांजिस्टर एक प्रकार से प्रीसेट का जैसा ही काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखें ये तीनों पार्ट्स मिलके कैसे काम करता है। ये है रेगुलेटर सेक्शन का डायग्राम। चलिए दोस्तों, इस डायग्राम से समझते हैं ये रेगुलेटर सेक्शन कैसे काम करता है। ये है ऑप्टोकपलर, ये है ट्रांजिस्टर, ये है प्रीसेट, ये जीनर डायोड, यहाँ पांच रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये फिल्टर कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर पावर सप्लाई से निकला हुआ 110 वोल्ट को फिल्टर करता है। ये पावर सप्लाई से निकला हुआ 110 वोल्ट का ट्रैक है। इस ट्रैक से 100K का रेजिस्टेंस से होते हुए प्रीसेट में आता है। प्रीसेट का दूसरा पॉइंट में 5.4K रेजिस्टेंस से होते हुए नेगेटिव आता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव को ड्रॉप करता है। जब भी आप प्रीसेट को एडजस्ट करते हैं, तब ये नेगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाता है और पॉजिटिव ड्रॉप होने लगता है और ट्रांजिस्टर का बेस में पॉजिटिव ड्रॉप होता है और फिर कलेक्टर में भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप होने के वजह से ऑप्टोकपलर का एलईडी में भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और ड्रॉप होने के वजह से एलईडी कम ग्लो होता है। कम ग्लो होने के वजह से ऑप्टोकपलर का चार नंबर पिन में निगेटिव का मात्रा कम हो जाता है और पॉजिटिव बढ़ जाता है। पॉजिटिव बढ़ने के वजह से एसटीआर में स्विचिंग बढ़ जाता है। स्विचिंग बढ़ जाने के वजह से एसएमपीएस ट्रांसफार्मर से वोल्टेज ज़्यादा आउटपुट होने लगता है। इसी तरह
प्रीसेट को अगर आप रिवर्स कर दे तो इसी तरह से वोल्टेज कमने लगता है। ये जिनर डायोड रेगुलेटर सेक्शन का वोल्टेज को स्टेबल रखता है। ये रेजिस्टेंस ऑप्टोकपलर को पॉजिटिव वोल्ट देता है, ये रेजिस्टेंस प्रीसेट को पॉजिटिव वोल्ट देता है और ये रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव वोल्ट देता है। ये रेजिस्टेंस इस पॉजिटिव को बैलेंस में रखता है ताकि यहाँ जितना ज़रूरत है उससे अधिक ना हो। ये रेजिस्टेंस प्रीसेट को नेगेटिव सप्लाई देता है ताकि प्रीसेट का पॉजिटिव सप्लाई ड्रॉप कर सके। तो दोस्तों, इसी तरह रेगुलेटर सेक्शन काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा ही वीडियो आगे भी लेके आता रहूँगा। आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाला अच्छा अच्छा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।